नमस्कार, सभी का स्वागत है विशेष कवरेज में। खासकर बता दें, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के तहत जो आदेश है वो 7 से 11 बजे तक किराना स्टोर के लिए है। लेकिन बता दें कि कुछ दुकानदार मानते नहीं हैं, वो अपना हक समझने लगते हैं 11 बजे के बाद भी। ये एक बात बता दें कि 11 बजे से पहले अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो बड़े दुकानदार ऐसे भी हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम का कोई चीज़ नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, प्रशासन इस बात पर गौर नहीं करता है। हम बात कर रहे हैं आनंदपुर चौक सुरहा चौक चट्टी की। यहां पर इस वक्त मैं आनंदपुर में हूं, जहां भीड़ देख रहे हैं लड़कियों की, महिलाओं की। ये महिलाएँ शायद कपड़ा खरीदने और ब्यूटी पार्लर में पहुँची थी। ये खबर BDO राकेश कुमार, CO कवल प्रसाद साह, थानाध्यक्ष DN राम, अशोक पेपर मिल के हैं और पतोर थाना के जो वरुण गोस्वामी हैं, ये सभी अपने दलबल के साथ पहुँचे। पहुँचने के बाद देख सकते हैं, छापा मारने के लिए पहुँचे तो ज़रूर थे, लेकिन यहाँ कुछ मिला नहीं है। बता दें कि दुकान के अंदर जब जाने लगे तो गेट पर ही कपड़ा था, उसको देख कर BDO राकेश कुमार काफ़ी भड़क गए और अंतिम चेतावनी दे दी गई है। दुकानदार को अंतिम चेतावनी दे दी गई है, महिला थी उन्हें भी दे दिया गया है कि अगर अब कुछ ऐसा हुआ तो सील कर दिया जाएगा और आपके ऊपर FIR कर दी जाएगी। हम इसके बाद बात कर रहे हैं पूरे जिला की। जिला में कल SSP बाबूराम और उनकी टीम जो है लगातार लोगों को धरपकड़ कर रहे थे। ऐसे में लगभग 40 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें लॉकडाउन के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था। 10 ऐसे बाइक थे, चालक थे, मोटरसाइकिल चालक, उनके मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया था। विशेष कवरेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर महिला हैं, उन्हें समझाया जा रहा है। BDO राकेश कुमार समझा रहे हैं, कमल प्रसाद शाह हैं, सभी लोग। यही वो दुकान है जिस दुकान के अंदर BDO राकेश कुमार इस वक्त है। इसके बाद बता दें कि छत पर जाते हैं, छत पर ये देखिए, छत पर जा रहे हैं। जब संदेह हुआ कि छत पर भी हो सकता है कोई ग्राहक हो या बेचा जा रहा हो सामान, देख सकते हैं खेत के अंदर छत के नीचे देखा जा रहा है संदेह के ऊपर। हम इसके बाद बात करेंगे किराना स्टोर की। इसके बाद यहाँ से जो पदाधिकारी हैं वो निकलते हैं, देख सकते हैं ये DN राम हैं, जो इन्हें भी संदेह था। यहाँ से ये पदाधिकारी चलते हैं आनंदपुर से आगे चनखेरिया मोड़ की बात करें, जहाँ से सिधौली रास्ता जाता है, उस मोड़ पर दो दुकानदार ऐसे हैं जो खोल कर रखते हैं, लेकिन थाना का इंतजार करते हैं, प्रशासन का इंतजार करते हैं। जैसे ही प्रशासन आने की भनक लगती है दुकान बंद कर देते हैं। ऐसा 2-3 दिन भी हुआ था कि BDO राकेश कुमार, खासकर जो प्रशासन है, उन्हें आगाह कर चुकी थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके ऊपर FIR होगा या सील कर दिया जाएगा। लेकिन कल जबरदस्त ये हुआ कि BDO राकेश कुमार पहुंचे और सामने ही गाड़ी लोड हो रहा था, तो ऑटो जो है इसमें आलू का बोरा था, जो फुटेज में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये इन सभी बातों को CO नकार रहे थे। CO बोल रहे थे कि कोई ग्राहक नहीं है। BDO ने इस बात को पकड़ा, राकेश कुमार ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ग्राहक है। 2-3 लोग अंदर में थे, उन लोगों को अंदर बाहर किया गया, उन लोगों से सवाल किया गया है कि आप क्या कर रहे हैं। रसीद देखने के बाद CO कमल प्रसाद शाह ने कहा कि हाँ, इस दुकान के दुकानदार को थाना लेकर जाया जाए। BDO राकेश कुमार ने थानाध्यक्ष को यहाँ पर आदेश दिया। इसके बाद जो थानाध्यक्ष हैं उन्हें थाना में ले गए। ये देख सकते हैं, यही दुकानदार हैं, यही दुकान है। विशेष कवरेज देखिए, अब इंटरव्यू सुनाते हैं। ऊपर कार्रवाई कैसे होगी और क्या करेंगे आप लोग? गांव में नहीं घूम रहे हैं, जब हम गए थे तब ये घटना बता रहे हैं। नहीं, गाँव में नहीं घूम रहे लोग, वहाँ जो गाँव में घूम रहा है, फिर दोबारा कल कराया, नेगेटिव आया है, वहीं आदमी घूम रहा है। गांव में कोई पॉजिटिव घूम नहीं रहा है। अभी एक दुकानदार को आप लोगों ने पकड़ा है, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? अरे भाई, आप नहीं समझ रहे हैं, वो दुकानदार माल गिरा रहा था, माल गिरा हुआ था, वो अंदर कर रहा था, उसको हिदायत देने के लिए पकड़ा गया है। ठीक है, सब लोग आप लोग थे हैं, वो माल गिरा रहा था, ऐसा नहीं है कि वो दुकान चला रहा था, खुले हुए नहीं था। माल तो गिराना है ना, माल तो 11 बजे के बाद भी गिरा सकता है, माल गिरा रहा था, वही तो है। अभी उसका दुकान सील नहीं होगा? दुकान कैसे सील कर देंगे? दुकान सील कर देंगे तो फिर लोगों को सामान कहाँ से मिलेगा? माल गिराएगा, माल बाहर से आएगा, तभी ना स्कर्सिटी नहीं होगा। हिदायत देने के लिए गिरफ्तार देने के लिए किया है कि तुमको एकदम टाइम कैसी के करना है, नियम का पालन करे या ना करे, ऐसा
कौन सी? लोग नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा? कहीं नहीं करेगा, नियम का पालन करेगा। इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं बिना नियम का पालन करने के लिए, जो नहीं करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, दुकान पर रेड खासकर और कपड़ा दुकान पर रेड, क्या आपको संदेह था या कोई सूचना आई थी कि मतलब इस तरह से दुकान खुल रहा है? लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ फैमिली फैशन और उस जगह सौम्या ब्यूटी पार्लर खुली रहती है, इस वजह से आज हम लोगों ने टीम बना करके दोनों दुकानों का जांच किया है। संयोग था कि दोनों दुकानें बंद पाई गई थी, और जो सूचना दिए हैं वो लगातार सूचना दे रहे थे, तब हम लोग देखेंगे कि गलत सूचना क्यों दे रहे हैं। फिलहाल तो उनकी दुकान बंद पाई गई। यस, मतलब इसके अलावा और क्या क्या मतलब? नहीं, इसके अलावा भी कई क्षेत्र दुकानें, जब हम लोगों को लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन कराना है तो कुछ दुकानें खुली मिलती हैं किस तरीके से, तो उन्हें सख्त हिदायत देकर के तत्काल बंद करा दी गई है। कुछ लोगों का कहना है कि हम माल उतारने के लिए दुकान खोल कर रखते थे, तो थोड़ा विचार किया जा सकता है, हो सकता है कि माल उतारने के लिए रखा गया हो, लेकिन उन्हें सख्त हिदायत देकर के कर दी गई है कि नहीं, आप सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ही माल उतारेंगे, आप 11 बजे के बाद पूरी तरह से दुकान को बंद रखेंगे। उसी क्रम में आज एक दुकान के ओनर को गिरफ्तार किया गया, उन्हें पूछताछ के लिए रोका गया है। अब वो बताएंगे कि क्यों दुकान खुली थी या माल उतरवा रहे थे, उस थाना पर अभी है। ऐसा कोई दुकानदार जिसके ऊपर कार्रवाई आप लोग सच में किए होंगे, या गिरफ्तारी तो अलग बात है लेकिन कोई कार्रवाई होगा, सील हो गया होगा, ऐसा कोई नहीं? दुकान अभी हम लोग को खुली मिली नहीं, हिदायत देने के बाद वो सारे लोग मान रहे हैं इस बात को कि नहीं दुकान बंद हो जानी है, तो वो लोग बंद कर दे रहे हैं। और खास करके हयाघाट क्षेत्र में 99.9% दुकानें बंद ही रहती है, इसलिए किसी पर कार्रवाई करने की नौबत नहीं आई है। नियम के पालन नहीं करने वालों के लिए कोई है? बिल्कुल, कोई भी ऐसा कोई भी व्यक्ति दुकान खुला हुआ पाया जाएगा, अगर वो माल उतारना तो अलग बात है, अगर इस तरह से खुलेआम दुकान खुला पाया जाएगा तो दुकान को सील करते हुए उनके ऊपर आपदा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ठीक है। बंद करते हैं।